हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा और दो ऐप्स हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया, उससे के लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की XUV300 के बारे में। आप में से शायद बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी कि इसका एक टर्बो पेट्रोल एक नया इंजन आया है TJDI के नाम से। दो तीन सालों से इसकी राह देख रहे थे हम सब, बट फाइनली कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया है। एक स्पोर्ट एडिशन के नाम से एक गाड़ी आएगी जिसमें ये पर्टिकुलर इंजन आपको देखने को मिलेगा। लगभग 130 PHP की पावर निकालेगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसमें फ़िलहाल कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं इस गाड़ी में। जो चेंजेस हैं एक्सटीरियर में, थोड़े आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको TJDI की बैजिंग मिलेगी नए इंजन की, कुछ आपको रेड एक्सेंट्स देखने को मिलेंगे, थोड़ी सी स्पोर्टी स्टाइलिंग है। और इंटीरियर में मेनली मेजरली पूरा ब्लैक इंटीरियर मुझे देखने को मिला है, जो टॉप एंड वेरिएंट्स है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसमें लोअर वेरिएंट से भी इस इंजन का ऑप्शन दिया है। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे Hyundai N-Line में आपको i20 वेन्यू में टॉप एंड मॉडल को ही लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको W6 वेरिएंट से W8 ऑप्शन तीनों में इस इंजन का आपको लेने का एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा, स्टाइलिंग में सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर में ब्लैक आउट कर दिया है पूरी तरह से, और बाहर थोड़े से आपको बैजिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे, रेड एक्सेंट्स देखने को मिलेंगे, बाकी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। राइड हैंडलिंग की बात करें, वो भी लगभग सेम है। अब इस इंजन पे आए अगर, तो हाँ ज़रूर ये बेस्ट इन क्लास इंजन है। अगर पेट्रोल की आप बात करें, बेस्ट इन क्लास इंजन है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, पेट्रोल में कार ढूंढ रहे हैं, मज़ेदार हो इस सेगमेंट में, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिलहाल मैंने इस गाड़ी को चलाया नहीं है, बट जितना भी मुझे खबर मालूम पड़ी है उससे ये मैं आपको बता पा रहा हूँ। जो नॉर्मल इंजन है, और इस इंजन में लगभग अगर हम W6 में देखें तो लगभग 35,000 का डिफरेंस है एक शोरूम प्राइस में। आप ऑन रोड में लगभग 40,000 मान लो, तो क्या आपको वो पैसे देने चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, अगेन थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर चाहते हैं, तो आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी तो मैं ज़रूर कहूँगा ऐसे। बट यहाँ जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों, वो है डीजल का। डीजल एक ऐसा ऑप्शन है ना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। तो मैं आपको एक ऐसा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपको किस कस्टमर को कौन सी वाली वेरिएंट लेनी चाहिए अगर आप XUV300 ले रहे हो। तो सबसे पहले, अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो और आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब महीने की 2.5-3 हज़ार रनिंग नहीं है, आपको गाड़ी लंबी रखनी है, अगर 10 साल वाले हो आप, मतलब 6-7 साल गाड़ी रखते हो, तो फिर देखो कोई इशू खास नहीं है मुझे लगता है। बट अगर आप गाड़ी लंबी रखना चाहते हो और आपकी रनिंग अगर उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली पेट्रोल लो, ठीक है। बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप माइलेज भी चाहते हो अच्छी, और आप डीजल लवर हो और रनिंग ज़्यादा, आप गाड़ी 5-6 साल से ज़्यादा नहीं रखते हो, तो फिर आप डेफिनेटली डीजल लो, वरना आप दिल्ली NCR में पेट्रोल लो। और अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बजट है, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स ले रहे हो तो ऑफ कोर्स यू शुड गो इन फॉर द जो अच्छा TJDI इंजन है नया वाला। और अगर आप बजट में हैं तो आप नॉर्मल पेट्रोल भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, पावर अच्छी खासी है और ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है। तो वो एक चीज़ हो गई। अब मैं दिल्ली से बाहर आते हैं, हम दिल्ली NCR से, और दिल्ली NCR में यूँ की 10 साल का चक्कर है इसलिए मैं बता रहा था, उसके बाहर अगर हम देखें तो फिर अगेन अगर आप लोग पेट्रोल लेना चाहते हैं तो फिर आप सेम ही रहेगा कि अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप ज़रूर इस नए वाले इंजन को लें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है चलाने में, आपको गाड़ी का असली मज़ा आने वाला है। बट अगेन अगर आप बजट में हैं तो फिर आप नॉर्मल पेट्रोल भी ले सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा वाला पेट्रोल इंजन लें जो नया आया है। अब दोस्तों यहाँ बात आती है डीजल की, राइट। अभी फ्रॉम द W6 मॉडल जो इनका है, आप प्राइसिंग की खेल देखो। W6 में जो एक शोरूम प्राइस है इसकी नए वाले पेट्रोल इंजन की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स समवेयर क्लोज टू 10,35,000 ऐसा कुछ, शायद मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, बट मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। दोस्तों प्राइसिंग सेम है एक शोरूम प्राइस, ठीक है, जो नए वाला पेट्रोल इंजन है वो डीजल की। और अगर आप देखें तो आपको डीजल इंजन में क्या क्या इसमें फ़ायदे मिल रहे हैं, आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप डीजल लें।
आपकी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो भी, उसका कारण ये है आपको माइलेज तो अच्छा मिलेगा ही। हाँ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जैसे आसमान छू रहे हैं, लगभग 13-14 रुपए का डिफरेंस है मोस्टली स्टेट्स में, तो आपको डेफिनेटली डीजल लेना चाहिए, आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। ठीक है, कम भी चलते हो आप तो भी जब आप भराओगे ना तो आपको दिखेगा कि यार आप 95 का भरा रहे हो और चला रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो 18-20 की, और एक तरफ 105 का भरा रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो 12-15 की, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। और रनिंग ज़्यादा है तो फिर कहने ही क्या है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा कीमत नहीं पे करनी है, आपको प्राइसेस एट पार है पेट्रोल डीजल हम कंपेयर जैसा करें अगर, तो फिर आप डीजल को लें, और साथ ही डीजल में आपको 300 NM का टॉर्क मिलेगा, और बड़ा इंजन है 1500 CC का, 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर दोस्तों, तो फिर डेफिनेटली आपको डीजल लेना चाहिए। और टॉप एंड वेरिएंट्स में अगर आप जाते हैं तो फिर मे बी थोड़ा प्राइस डिफरेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि W6 में मैंने देखा है कि डिफरेंस थोड़ा कम है, वहीं अगर आप W8 में देखते हैं तो डिफरेंस पेट्रोल डीजल में, नए पेट्रोल और डीजल में भी ज़्यादा है, और W8 ऑप्शन में भी आई थिंक ज़्यादा है। तो W6 अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली डीजल लो नए पेट्रोल के कंपेरिजन में, और टॉप एंड वेरियंट्स देख रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट ओवरऑल डीजल इज़ माई पिक इन द W6 मॉडल। पूरे लाइनअप में W6 मेरा फेवरेट है और डीजल मेरा फेवरेट है। AMT मत लेना, कोई भी मॉडल हो आप AMT मत लेना किसी भी इंजन के साथ, किसी भी वेरिएंट के साथ। डेली NCR में हो, रनिंग ज़्यादा है, शौकीन हो, 5-6 साल गाड़ी रखनी है, डीजल लो, नहीं तो आप नॉर्मल पेट्रोल ले सकते हो या अच्छा पेट्रोल भी ले सकते हो। और आउट ऑफ डेली आप जैसा मैंने कहा W6 है तो ऑफकोर्स डीजल लो, और उसके ऊपर वाले कोई वेरियंट्स हैं अगर आपके तो फिर आप देख सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल या टर्बो पेट्रोल भी ले सकते हो। मैं कहूँगा टर्बो पेट्रोल जो नया वाला है वो ही लेना, नॉर्मल पेट्रोल का आप अवॉइड करना। तो ये था वीडियो, आई होप आपको थोड़ा आइडिया बेटर लग गया होगा, लंबा हो गया बट यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना अच्छे से ध्यान रखें, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।